गुड मॉर्निंग किड्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड टेकिंग गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बेटा अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप सबने चिड़िया तो देखी होगी। देखी है ना चिड़िया? चिड़िया क्या करती है, ऊपर आसमान में उड़ती है। और किसकी मदद से उड़ती है? अपने छोटे छोटे सुंदर सुंदर पंखों की हेल्प से। और क्या करती है चिड़िया, जगह जगह से तिनके इकट्ठे करती है और उनसे क्या बनाती है, अपना घोंसला बनाती है। और अपने जो बच्चे हैं चिड़िया के, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको क्या करती है, दाना इकट्ठा करती है और उन बच्चों को खिलाती है, खिलाती है ना। और आज की हमारी कविता है, उसका शीर्षक भी क्या है, चिड़िया मुझे बना दो राम। तो चलिए अब हम अपनी कविता स्टार्ट करते हैं। चिड़िया मुझे बना दे राम, सुंदर पंख लगा दे राम। चिड़िया मुझे बना दे राम, सुंदर पंख लगा दे राम। डाल डाल पर जाऊंगी, मीठे गीत सुनाऊंगी, मन सबका बहलाऊंगी, अंबर पे उड़ जाऊंगी। चिड़िया मुझे बना दे राम, सुंदर पंख लगा दे राम। डाल डाल पर जाऊंगी, मीठे गीत सुनाऊंगी, मन सबका बहलाऊंगी, अंबर पे उड़ जाऊंगी। और बेटा आपको इस कविता की प्रैक्टिस करनी है। बेटा आज हम एक न्यू मात्रा कर रहे हैं और वो मात्रा किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा। ये देखिए क्या है, ये ओ। और आज हम इसी की मात्रा करेंगे और ये मात्रा किसकी है, ओ की मात्रा। और देखिए बेटा, ओ की मात्रा व्यंजन के दाई ओर लगती है। और ये देखिए बेटा, जब हम ओ बोल रहे हैं, ओ, तो क्या हो रहा है, जो हमारा मुंह है वो किस, उसकी शेप क्या बन रही है, इंग्लिश के अल्फाबेट ओ की बन रही है। ये देखिए ओ, और साउंड भी कौन सी आ रही है, इंग्लिश की अल्फाबेट ओ की साउंड आ रही है, ओ। और जो मात्रा होती है, ओ की मात्रा है, उसमें क्या होती है, वन स्टैंडिंग लाइन होती है और वन मात्रा होती है। ये देखिए बेटा, ये कौन सा व्यंजन है, क व्यंजन है। जब हम क में ओ की मात्रा लगाते हैं, और ओ की मात्रा कहाँ लगेगी, व्यंजन के दाई ओर लगेगी। जब हम क में ओ की मात्रा लगाते हैं तो इसे हम कैसे बोलेंगे, को। और उनसी साउंड आ रही है, ओ की साउंड आ रही है। और हमारे मुख का शेप कैसे बन रहा है, इंग्लिश की जो अल्फाबेट ओ है उसकी तरह बन रहा है। ये देखिए को। अब ये देखिए ग व्यंजन, जैसे ही हमने ग में ओ की मात्रा लगाई, इसे हम बोलेंगे गो। और बेटा अगर हम ल व्यंजन में ओ की मात्रा लगाते हैं, ये देखिए हमने ओ की मात्रा लगा दी, अब हम इसे क्या बोलेंगे, लो। तो कौन सी साउंड आ रही है आपको बताइए, कौन सी साउंड सुनाई दे रही है, ओ की साउंड, लो। इसी तरह से ये देखिए म व्यंजन, अब जब हम म में ओ की मात्रा लगाएंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे बताइए, क्या बोलेंगे, यस, इसे हम बोलेंगे मो। क्या बोलेंगे, मो। और प में अगर ओ की मात्रा लगी तो बोलेंगे पो। बेटा आज हम ओ की मात्रा की कविता करेंगे, आया मोर। तोते ने मचाया शोर, देखो वन में आया मोर। भालू बजाए बड़ा ढोल, कोयल गाए मीठे बोल। धम धमा धम बाजे ढोल, थिरक थिरक कर नाचे मोर। छाए काली घट घनघोर, बरसे पानी नाचे मोर। और बेटा इस कविता का अर्थ है, एक तोता बहुत शोर मचा रहा था कि देखो जंगल में मोर आ गया है। भालू एक बड़ा सा ढोल बजा रहा है और कोयल मीठे मीठे बोल गा रही है। ढोल धम धम करके बज रहा है और थिरक थिरक कर मोर नाच रहा है। चारों तरफ काले काले बादल छा गए हैं, पानी बरस रहा है और मोर नाच रहा है। तो चलिए बेटा अब हम अपना रिटेन वर्क स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट टूडेज वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेंशन टूडेज डेट इन लेफ्ट हैंड साइड एंड टूडेज डेट इज 6th of January 2021, मीन 06.01.2021। एंड जस्ट अपोजिट साइड इज राइट हैंड साइड एंड हियर वी विल मेंशन
लिखित कार्य. इन सेकेंड लाइन वी विल मेंशन टुडेज हेडिंग एंड टुडेज हेडिंग इज ओ की मात्रा क से ज्ञ. बेटा आज हम एक नई मात्रा कर रहे हैं और मात्रा कौन सी है? ओ की मात्रा. आफ्टर हेडिंग वी विल ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स विद द हेल्प ऑफ स्केल. और हमें कितने कॉलम बनाने हैं बेटा? फाइव कॉलम. 1, 2, 3, 4, 5. ये देखिए बेटा, ये कौन सा व्यंजन है? क व्यंजन है. कौन सा है? क व्यंजन. जब हम क में ओ की मात्रा लगाएंगे, किसकी मात्रा लगाएंगे? ओ की मात्रा. और ये देखिए, ये ओ की मात्रा. ओ की मात्रा में क्या हो रहा है? वन स्टैंडिंग लाइन है और उसके ऊपर वन मात्रा है. जैसे क में हमने ओ की मात्रा लगाई, इसे हम क्या बोलेंगे? को. इसी तरह से ये देखिए ख व्यंजन. जब हम ख में ओ की मात्रा लगाएंगे तो इसे क्या बोलेंगे? खो. गो. घो. अब ये देखिए, आपको पता है कौन सा व्यंजन है? बताइए मुझे कौन सा व्यंजन है ये बेटा? यस, छ व्यंजन. जैसे ही हमने छ में ओ की मात्रा लगाई, इसे हम बोलेंगे छो. अब ये देखिए छ, छ में ओ की मात्रा लगते ही इसे बोलेंगे छो. और बेटा जब हम छो बोल रहे हैं तो कौन सी साउंड आ रही है? बताइए कौन सी साउंड सुनाई दे रही है आपको? ओ की. कौन सी साउंड सुनाई दे रही है? ओ की. जो इंग्लिश का अल्फाबेट ओ होता है ना, उसकी साउंड आ रही है. देखिए छो. ज में ओ की मात्रा लगते ही जो. इसी तरह से देखिए झ, झ में जब हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो इसे क्या बोलेंगे? झो. और एक बात का ध्यान रखिएगा बेटा, जो झ है, झ नीचे लाइन को टच नहीं होता है. झ की जो टेल होती है वो नीचे लाइन को टच होती है. यम. अब ये देखिए ट, ट में जैसे ही हमने ओ की मात्रा लगाई तो इसे हम बोलेंगे टो. ठो. ड में लगते ही डो. इसी तरह से ये देखिए ढ, जैसे ही ढ में हमने ओ की मात्रा लगाई, इसे हम बोलेंगे ढो. ढो. तो. अब ये देखिए थ, थ में जैसे ही ओ की मात्रा लगी, इसे बोलेंगे थो. द में लगते ही दो. अब ये देखिए द, जो द है वो नीचे लाइन को टच नहीं होगा. द की भी क्या टच होगी नीचे लाइन को? इसकी जो टेल है वो नीचे लाइन को टच होगी. धो. न में लगी तो क्या बोलेंगे इसे? जैसे हमने न में ओ की मात्रा लगाई तो इसे क्या बोलेंगे? नो. पो. फो. बो. अब ये देखिए भ व्यंजन. जब हम भ में ओ की मात्रा लगा रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे? भो. मो. और एक बात का और ध्यान रखिएगा बेटा, भ और म दोनों की जो ये लाइंस होती है ये स्मॉल बनती है, ये नीचे लाइन को टच नहीं होती है. इनकी जो ये स्टैंडिंग लाइन है केवल ये नीचे लाइन को टच होती है. और कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों लाइंस को इक्वल बना देते हैं. ये लाइन भी नीचे लाइन को टच कर देते हैं और ये वाली स्टैंडिंग लाइन होती है ये भी नीचे लाइन को टच होती है. जो ऐसा नहीं होगा, इसका जो फॉर्मेशन होता है भ और म का, इसमें ये लाइन स्मॉल बनती है और जो ये स्टैंडिंग लाइन है ये नीचे लाइन को टच होती है. अब देखिए य में ओ की मात्रा लगते ही हम इसे क्या बोलेंगे? यो. जब हम र में ओ की मात्रा लगाएंगे तो रो. लो. इसी तरह से व, जो ये व व्यंजन है इसमें ओ की मात्रा लगाएंगे तो इसे बोलेंगे वो. अब ये देखिए श, श में ओ की मात्रा लगते ही इसे बोलेंगे शो. शो. स में लगी तो सो. हो. इसी तरह से देखिए श्रो. श्रो. श्रो से क्षत्रिय. श्रो में लगी तो श्रो. त्र में हम अगर हो की मात्रा लगाते हैं तो इसे बोलेंगे त्रो.
में लगाई तो ग्यो। बेटा वर्ब शुड बी नीट एंड क्लीन एंड फॉर्मेशन शुड बी करेक्ट एंड सेकेंड थिंग स्पीक एंड राइट। ओके टेक केयर बाय बाय।